सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने किस तरीके से आज याद कर रहे हैं नेताजी को? आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से थे और उनका सम्मान दलीय सीमाओं से बहुत परे, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और चाहे अन्य कोई भी दल का नेता हो, मैं देखा हूँ लगातार कल से सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज उनको अंतिम विदा देने के लिए आए हैं। मैंने भी आज नेताजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री अखिलेश यादव जी, श्री शिवपाल जी, अपर्णा जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सांत्वना दी है, जो लाखों की संख्या में उनके समर्थक हैं, जो आज सब दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी यह दुख सहने की सामर्थ्य दे और श्री मुलायम सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। आपकी बातों से भी गम झलक रहा है, कोई एक बात नेताजी से जुड़ी हुई जो आपको हमेशा ताउमर याद रहेगी, कोई एक सीख जो उन्होंने कभी दी हो जो आप कभी नहीं भूलेंगे या साझा करना चाहें? सबसे बड़ी बात, मैं जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, हम लोग जीते थे और जीत उस समय लोकसभा का सदस्य था, मैं गया था तो मेरी भेंट हो गई, मैंने प्रणाम किया, बहुत आदर बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस शाबाश करके तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आशीर्वाद दिया। मतलब ये बड़े हृदय का व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा हमारे खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा लड़ रही थी और भाजपा जीती और उसके बाद भी आशीर्वाद देना, ये नेताजी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, इसीलिए नेताजी कहते हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि। वाकई में ये मुलायम सिंह यादव का विशाल हृदय था कि अपने तो अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी आज नम आंखों से याद कर रहे हैं और उनके किस्से बता रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने विरोधियों से भी मिलते जुलते थे। केशव मौर्य बता रहे हैं 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हराने के बाद जब पहली बार मुलायम सिंह यादव उनसे मिले तो उन्होंने पीठ ठोक कर बधाई दी।